अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इब्राहिम कुज़ीन एंड व्लॉग्स और मैं हूँ राजा इब्राहिम। आज मैं नई रेसिपी, मेरा नया चैनल है इब्राहिम कुज़ीन, आप मुझे काइंडली सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट हो जाता है। इस चैनल पे आपको मैं कई वगैरह रेसिपी दूंगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज वगैरह और आउटडोर ब्लॉग दिया करूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल कैप कर दबा दें, मेरी वीडियो आपके पास जल्दी आएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ ये हम आज बना कर रहे हैं। आज हम बना रहे हैं पुलाव स्टाइल बिरयानी। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने दो मीडियम साइज के प्याज ले लिए, ऑनियन ले लिए, मैंने आधा किलो चावल ले लिए अच्छे वाले, इनको सॉक करके रख दिया। इसको मैंने 10-15 मिनट धोए रखा हुआ है। मेरे पास एक टमाटर है मीडियम साइज का था, उसको मैंने काट लिया। चिकन है मेरे पास आधा किलो, इसको मैंने अच्छा आधा किलो हड्डियों वाला लिया है। आप अगर बोनलेस लेना चाहते हैं वो भी ले लें। मसाला ज़्यादा मेरे पास है ये 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, 1/2 टेबल स्पून मेरे पास धड़ा मिर्च, अदरक लहसुन है मेरे पास, अभी मैं इसका पेस्ट बनाऊंगा 2 टेबल स्पून, नमक मेरे पास 3 टेबल स्पून, धनिया कुटा हुआ मेरे पास 1.5 टेबल स्पून और हल्दी मेरे पास 1/2 टी स्पून और ऑयल हम थोड़ा सा डालेंगे। ये भी हम इसको शुरू कर, अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। अभी इसको हम गर्म कर लेते हैं। अनियन मैं इसमें शामिल कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी थोड़ी देर तक गर्म हो जाएगा। और अनियन हमने लाइट ब्राउन रखना है, अनियन को ज़्यादा आपने नहीं करना। ये लाइट ब्राउन हो जाए फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक मैं अदरक लहसुन को पीस लूँ। ये मैं डाल दूँ सारा इस तरह, पहले मैं अदरक लहसुन को पीस लूँ थोड़ा सा, फिर दोनों इकट्ठे पीस लेंगे। अब अदरक ये मैं दोनों पीस लूँ फिर आपसे नेक्स्ट। नहीं जी, अब हम इसमें अदरक लहसुन डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। अब इसको भी अच्छी तरह ला लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं थोड़ा सा इसको भी फ्राई कर लूँ फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। अब मैं इसमें चिकन शामिल करने लगा हूँ आधा किलो। अब इसको हमें अच्छी तरह ला लेना है। मैं इस साथ मिक्स कर लूँ फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। हमारे चिकन का रंग चेंज हो गया, हम इसमें टमाटर शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हल्का सा हिलाना है आपने। मैं बस हल्का सा हिला के टमाटर गल जाए, अभी हम उसके ऊपर दम देंगे, फिर जो नीचे ढकना उतार कर इसके इसमें हम मसाला जार शामिल कर देंगे और फिर इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद फिर पानी डाल देंगे। अब हम इसका ढकना उठाते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसको एक दफा हिला लेते हैं। माशाल्लाह हमारे चिकन का रंग अच्छी तरह चेंज हो गया, ये टमाटर भी हमारे गल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सारे मसाला जार डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिरयानी मसाला, नमक, धनिया, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च, ये हमने सारा डाल दिया। इसको भी हमने अच्छी तरह डालना है। रमज़ान में आप ये बनाएं, ईद पे बनाएं, सारे घर वाले बहुत खुश होंगे और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप देख सकते हैं इसकी खुशबू माशाल्लाह, आप मुझे बड़ी ज़ोर की लग रही है, खुशबू नाक से जाए बहुत तेज़ी से। लेकिन अभी मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरा रोज़ा है। रोज़े से याद है आप सबको यार, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। माजरत मैंने लेट बताया, लेकिन आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अब थोड़ी देर हम इसको और दम देंगे फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। अब इसको हमने ढकना उतारना है और इसको अब थोड़ी देर फ्राई भी करना है। अब बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू पूरे घर में इस टाइम फैल चुकी है। इसको हमें थोड़ी देर मिक्स करना है, इसमें हल्का सा पानी भी शामिल कर दें ताकि मसाला नीचे ना लगे। थोड़ा सा सिर्फ आधे गिलास के मुताबिक हमें इसमें पानी छोड़ देना ताकि मसाला जो हमारा खराब ना हो, नीचे ना लगे। बस थोड़ा सा पानी मैंने 2-3 टेबल स्पून डाला है, अब ये नीचे नहीं लगेगा। अब हम थोड़ी देर फ्राई करते हैं इसको, इसका पानी सूखने देते हैं और फुल आँच पर हम इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मसाला फुल इस टाइम फ्राई हो चुका है, खुशबू माशाल्लाह बहुत आ रही है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। इसमें हमने 2 गिलास पानी शामिल कर लिया है क्योंकि 1 गिलास हमने चावल से लिए थे, तो हम 2 गिलास पानी डालेंगे। इसमें
दो गिलास, दो गिलास मैंने पानी शामिल कर दिए। अब इसमें उबाल आ जाए अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। पानी हमारा उबल रहा है, इसमें चावल शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे चावल हम इसमें शामिल कर दें, ये सारे चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब ये चावल इसमें सोख हो जाएंगे, चावल इसमें पानी इसमें सूख जाएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा। ये मैंने तवा रख लिया, रख दिया था 10 मिनट पहले ही, ताकि गर्म हो जाए। ये मेरे चावल आप देख सकते हैं, पानी मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम तवे पे रखते हैं और इसको हम दम पर लगा देते हैं 15 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। मैं 15 मिनट के बाद आपको माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा अल्लाह की शान आप देख सकते हैं। माशाल्लाह आप देख लें जी, कितना प्यारा हमारा पुलाव बिरयानी स्टार बन चुका है, कितना अच्छा बना है। गलती से मैंने पुलाव को कुछ और कह दिया था, माजरत। बहुत अच्छी चीज़ बनी है, बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आउटडोर ब्लॉग्स देखना चाहते हैं जैसे पिकनिक वगैरह, तब भी मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें इब्राहिम कुज़ीन एंड ब्लॉग को। मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।